पे रहते तो अच्छा होता गेम के लिए। ये गेम कैसे ग्रुप डी का आखिरी गेम है, उसमें यस ऑरेंज रॉक आती है, उसमें फनाटिक आती है, उसमें आईएनडी आती है, जो कि हम बड़े नाम, जो कि उन्होंने एक टाइम से हम बोले कि टॉप 6-7 के अंदर अभी हैं, तो वो ये गेम कैसे अपना खत्म करेंगे, मेरे माइंड में उस चीज की एक आशंका रहेगी। बिकॉज अगर ये गेम में उन्होंने थोड़ी सी दिक्कत हुई तो ज्यादा हो सकती है डेड आइस के प्लेयर्स यहां पर डाउन होते। ये भी ग्रुप डी की एक टीम थी एंड फनाटिक जो ग्रुप डी की दूसरी टीम है इनके ऊपर सीधा मूवमेंट देती। फनाटिक ने ही पहला प्लेयर डेड आइस का डाउन किया था एंड अब अगले प्लेयर्स के ऊपर भी आ चुके ग्रेनेड्स का इस्तेमाल करते हुए एंड काफी ज्यादा हेल्थ कम हुई है। ग्रेनेड्स लेजर के ऊपर गया था बट ऑन दी अदर एरिया सामने वाली ही खिड़की के ऊपर वहां पर डेड आइस के बाकी प्लेयर्स बैठे हैं। ओबेस अपने लिए किल्स बनाते हुए बटोरते हुए Had they spotted, I think उनको स्पॉट कर चुके। स्काउट ने स्पॉट कर लिया वहां पर पूरा का पूरा ओआर के वीरू जाते हुए जानमारा के द्वारा वीरू को वो नॉक एंड फिनिश हो चुके हैं। वीरू साथ के साथ यहां पर फिनिश होते हुए एंड अब आई गेस स्काउट ने कॉल दे दिया कि सामने ही प्लेयर्स हैं। ग्रेनेड्स आते हुए पूरे के पूरे वैम्पायर भी डाउन हो चुके हैं मेगा वेक्सी के द्वारा। अभी तक ग्रेनेड ने कोई भी एक फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दिया है ज्यादा बिकॉज पूरे के पूरे जो दोनों प्लेयर्स हैं वो अभी भी स्टेबल हैं डेड आइस के। नो डाउट उन्होंने दो प्लेयर्स खो दिए, दोनों किल्स ओबेस को गए थे पर ये बाकी दो प्लेयर्स सिनर्जिकेटेड ऑन द अदर हैंड गॉडल के गिल को डाउन करते एक बहुत अच्छा यहां पर अपने लिए और ये चीज दिखाते हो कि हम अभी भी फाइट के लिए हम लोग तैयार है। कमबैक हमारा आप देख सकते हैं एंड कमबैक आता हुआ प्लेज ऑन टीवाइंड लूसिफर को लेकर जाता हुआ पर फनाटिक पूरा एक घेरा डाल चुके हैं सिनर्जिकेटेड को। उनका किल मिलता हुआ गॉडल के प्लेयर्स का एंड अब पूरा कंफर्मेशन है कि हां वहीं पर प्लेयर्स हैं एंड एक ग्रेनेड जाता हुआ 25 का डैमेज और निकल कर आता हुआ। सारे थ्रोएबल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हर एक तरीके से कोशिश की जा रही है उनको डाउन करने की एंड वाडू सर अपना एक ग्रेनेड निकाल रहे थे। आई थिंक उनको भी पता उनके ओपोनेंट्स का एंड उनको अच्छे तरीके से कैलकुलेट हो चुका है। बस अब उनको एक चीज करनी है ज्यादा पीक नहीं देना है कि उनके अगेंस्ट जाए। फनाटिक एश को भी पूरा पूरा पता है हर तरफ से हर एक ग्रेनेड जाएगा पूरा दिल देगा गोइंग टू मेक ईच एंड एवरी ग्रेनेड काउंट कुछ भी करके 25-25-10 एक एचपी पर बचे डी के प्लेयर ही इज स्टिल सर्वाइविंग आउट देयर स्टिल आउट देयर इल्यूजन इज दैट एन इल्यूजन आई थिंक यस इट इज। फनाटिक के एश टीपी भी ले चुके हैं डैमेज देकर अंदर आकर बाहर चले जाएंगे वो एंड एक प्लेयर बचता था और डेड आइस के यहां पर ज्यादा ट्रिकी हो जाती है। अगर किल फीड मैंने सही पढ़ी तो वहां पे डार्क को भी नॉक डाउन किया गया था। जी हाँ और जो आपने भी बात बोली उससे मैं पूरा पूरा सहमत होऊंगा एंड आगे पूरी की पूरी जो फाइट्स निकलेंगी फनाटिक के प्लेयर्स उनके पास चार अच्छे खासे किल्स हैं उन किल्स के नंबर्स को वो बढ़ाना चाहेंगे। फनाटिक के ओवेस रौनक के पास अभी कोई किल्स नहीं है, ओवेस के पास दो किल्स हैं तो ऑब्वियसली आगे फाइट्स रहना चाहिए लेकिन रौनक को हल्का सा डैमेज हुआ। आइकॉनिक सर्कल के से के आसपास के प्लेयर्स को मुश्किलें करते हो लेकिन आइकॉनिक को भी मुश्किलें हो जाएंगी बिकॉज पीछे प्लेयर्स थे एंड डार्क। नाउ द मेजर क्वेश्चन दैट अराइव्स इज कि क्या वो रिवाइव देंगे या फिर वो अंदर जाना प्रेफर करेंगे बिकॉज अंदर जाना इंपॉर्टेंट कैरी। आप देखिए सर्कल के साथ साथ एक सिंपनी बनाकर अंदर जाते हुए धीरे धीरे स्काउट उनको एग्जैक्टली पता है प्लेयर्स कहां पर काफी अच्छे तरीके से वहां पर डैमेज दे रहे थे एंड यहां पर ग्रेनेड आया था जिसने कि आईएनडी के प्लेयर्स के लिए हल्की सी दिक्कतें कर दी हैं। रिवाइवल इस टाइम चाहिए होंगे। दलजीत आते हैं पीछे से यूएमई के पान सिंह को लेकर जाते हैं 420 बट ऑन द अदर हैंड कवर फायर देते हुए एंड वैम्पायर को नॉक करते हुए आईएनडी और फनाटिक इस फाइट के अंदर जूझ चुकी है। स्लेयर की हेल्थ काफी ज्यादा कम हो चुकी है। रौनक बैक एंड पर काफी अच्छा डैमेज देने का कोशिश कर रहे थे। एश भी यहां पर स्काउट की भी हेल्थ थोड़ी सी कम थी। ओवेस डाउन हो चुके हैं, स्नैक्स डाउन हो चुके हैं एंड रौनक स्टिल बैक एंड पर पूरा का पूरा फाइट और भार संभालेंगे एंड आई गेस आईएनडी को हद से ज्यादा मुश्किलें मिल चुके। एक अकेला प्लेयर बचा हुआ है, 30 गोलियां पहले प्लेयर ने वहां पर एंगेजमेंट करी थी लेकिन दैट वोंट बी इनफ एंड फनाटिक के लिए ये मैप बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग यहां पर दिखता हुआ। 7 किल्स आ चुके हैं। कहां पर कर सकते हो एक दूसरे को बिकॉज इस कंपाउंड के ऑपोजिट साइड ये स्नोमोबाइल पे सामने वाले कंपाउंड में बीच में वर्सेस टीएसएम एंटिटी नियो ब्रोकन वॉल पे अगर आएंगे तो वो ग्रेनेड पोल हो चुका है बट यहां पे एक इजी नॉक हो सकता था अगर उनके हाथ में गन रहती। एक मोलोटोव आया है बाहर से पांच एक राइट साइड वाले कंपाउंड में यहां पे ऑलमोस्ट दो प्लेयर नॉक करने का चांस था। एक वापस से फिर प्लेयर दिखा नियो को और क्लोज एनकाउंटर में यहां पे सबसे पहले प्लेयर गिरा है नियो ने। क्या एक और नॉक निकाल पाएंगे बॉल बड़ा क्वेश्चन है बट पीछे से बैकअप is what he needs यहाँ पे। नियो को नॉक कर दिया गया है। दो प्लेयर सिर्फ टीएसएम एनटीटी के बचे हैं जीक और जॉनेथन। क्लोज एनकाउंटर में ये दोनों प्लेयर स्पेशलिस्ट है बट यहाँ पे पांच एग्जाम में ब्रोकन वॉल पे दिखे जरूर है बट यहाँ पे नॉकडाउन भी कर दिया जॉनेथन ने वो एकेएम के द्वारा। दो प्लेयर यहाँ पे युमुम्बा के नॉकडाउन है। 2-2 का सिचुएशन है। यहाँ पे डेस्ट्रो को भी नॉकडाउन करिए। जॉनेथन जस्ट रिवाइविंग ऑन दैट 1 HP ओवर दर अंदर गए। एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे देख रहे हो। 1 HP भी दिखी बट वहाँ पे जीक और ये फाइट अपने नाम करी। नियो को भी मिलेगा यहाँ पे रिवाइवल एंड क्या ये क्लच करा है जॉनेथन एंड सेम असिस्ट विद जेड गॉड। जी हाँ जैसा आपने कहा था ये क्लोज रेंज मास्टर्स है दोनों प्लेयर। Yeah, I'm the one to get it, bro. I swear to God, I'll get it, bro. Hey, I ain't never giving up. Yeah, I never give up.
I got this, then I got it. I will rock when I'm on it. Never rock it. Got the block lit, I'm toxic.